नर्मदा को माँ मानते हैं और माँ के लिए सबको करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। काम करेंगे अप्रैल के बाद जैसे आएगा, जैसे सबसे पहला ये दिन हुआ। दूसरा ये जो 1 करोड़ की योजना है, ये योजना भी हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, राहुल यादव जी के, जो उन्होंने ये हमारे नर्मदा क्या क्या करना है बताइए। तो हमने लिखा था यहाँ कि 1 करोड़ रुपये मुझे घाट के लिए, हमारे घाट के लिए मुख्यमंत्री जी ने केवल एक थोड़ा चबूतरा बना हुआ था, कच्चा हुआ भी। फिर इसके बाद 2000 के दशक की बात बताता हूँ मैं आपको। कलेक्टर पूछ रहा लता से, और वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, उसमें सभी दलों के लोग हैं। हम लोगों ने नर्मदे हक करके करीब 50 लाख रुपए काम घाट पे किया। तो सबसे पहले भाई साहब, आज क्या कार्यक्रम था माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, हमारे कांग्रेस की महा पावन नर्मदा मैया के घाट निर्माण का भूमि पूजन था। ये घाट निर्माण का भूमि पूजन हम लोगों के माध्यम से अभी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे कि सब विधायकों को अपने अपने क्षेत्र विकास के लिए प्रस्ताव दो। मैंने 1 करोड़ का प्रस्ताव दिया था यहाँ घाट निर्माण के लिए, तो वो आज सेंशन भी हो गया और निश्चित काम भी हो रहा है, भूमि पूजन भी आपने देखा है। तो ये उस प्रस्ताव के अंतर्गत ये सेंशन हुआ है। उन्होंने सांसदों से भी प्रस्ताव मांगे थे, बिल्कुल सही बात है, पर ये 1 करोड़ का प्रस्ताव मैंने का दिया था। ये सबसे पहले आया तो मैं तो काफ़ी आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने मेरी बात सुनकर हमारी नर्मदा के अंचल में घाट बनाने का निर्माण करने का एक परमिशन दी, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये निर्माण हो रहा है और इतनी बड़ी राशि अभी तक कहीं भी शासन की यहाँ नहीं लगी, तो मेरी मांग पर मंगी है मानी है, तो ये नर्मदा माँ की कृपा है और उनके आशीर्वाद से मैं आज जीता हूँ। तो सबसे पहले हमने यही कोशिश की कि सबसे पहले ये काम हो, तो माँ नर्मदा खुश रहेगी तो हम सब खुश रहेंगे और वो जीवन दायनी है और उन्हीं के कारण यहाँ पूरा हरदा जो डेवलप है वो, तो सबसे पहले काम हुआ उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी, माँ का बहुत आशीर्वाद है। और ये काम अच्छे से हो, बढ़िया हो और सब लोगों को मिलकर हमारी जो समिति है, मंदिर समिति है, जो भी है, सबकी सलाह लेकर काम होगा, हम लोग अक्षेप रखेंगे और इसमें सब लोगों को अच्छा काम हो, ये हमारी योजना है। इसके साथ ही जैसे मांग आई थी कि नर्मदा नाभिकुंड के ऊपर भी एक होटला ऐसा बना दिया जाए जहाँ 100-200 लोग वहाँ बैठ कर पूजा अर्चन कर सकें, तो वो भी हमारे पहले भी 18 महीने की सरकार में हमने कोशिश की थी। BC शर्मा जी ने 20 लाख रुपये घोषणा भी की थी पर डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण वो चीज़ नहीं हो पाई थी। अब फिर हम कराएंगे और 10 लाख रुपये तो मैं अपने तरफ से विधायक निधि से ही दूंगा उसमें, और सांसद जी ने आश्वासन दिया कि वो भी देंगे, तो दोनों मिलकर अच्छे से वहाँ ला दी सांसद जी। देखिए ये क्या है, पूरे मध्य प्रदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रत्येक विधानसभाओं में, लोकसभाओं में क्षेत्रीय जो बहुत प्रतीक्षित मांगे हैं उसके निमित्त विधायकों को 15-15 करोड़ और सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए ऐसी निधि उन्होंने जारी की थी, और जिसके माध्यम से लगातार जहां हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, जहां पर हमारी बहुत प्रतीक्षित सड़कें हैं, पुल है और अंडरब्रिज हैं, और भी इस तरह के विविध प्रकार के सामुदायिक हमारे सांस्कृतिक भवन, ऐसे अनेकानेक क्षेत्र जो विकास के नए प्रतिमान प्रतिष्ठापित करने की दिशा में बहुत प्रतीक्षित थे, उनके लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व, हमारे आस्था श्रद्धा के जितने भी केंद्र हैं उसके पुनर्जागरण पुनर्स्थापन की दिशा में ये अनूठी पहल युद्ध स्तर पर पूरे देश में चल रही है। उसी चरण में आज मान नर्मदा की पावन मूर्ति है, आज ये भूमि पूजन का क्रम संपन्न हुआ है, 2,19,52,000 रुपये के कार्यों का यहाँ पर भूमि पूजन संपन्न हुआ है।